जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं घात वाले संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी संख्या के घात में, जैसे ऐसे संख्या हो 4, 5, 3 हो गया, इसके पावर में कुछ भी हो जाए, ठीक, इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका निकालने के पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे चार से विभाजक नियम। ठीक है, चार से विभाजक नियम क्या कहता है, क्योंकि इसमें इसका यूज है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आइए देखिए, चार से का विभाजक नियम देखिए। मान लीजिए चार से कोई भी संख्या हम भाग देना हो, चार से मान लीजिए हमको भाग देना है कितने में, 3, 4, 7 में। ठीक है, कितना भाग देना है, 3, 4, 7 में भाग देना है ना हमको। बस चार से विभाजक नियम ऐसे चेक करेंगे, चार से भाग देकर हमको शेष निकालना है। ठीक है, ऐसे देखिए, चार से हमको कितना भाग देना है, 447 में, 347 में ना भाग दीजिए, तो 4, 8, 32, 2, 7 बचेगा ना, 4, 7, 28, 4, 6, 24, 4, 6, 24 कितना शेष बचेगा जी, 3 शेष बचेगा ना, शेष कितना आया, 3 आया ना, कोई दिक्कत। और मान लीजिए 4 से भाग देना हमको 5, 4, 6, 2 में। ठीक है, कोई दिक्कत, भाग देना है ना तो भाग दीजिए, तो 4 एक 9, 4 और 1 4, ठीक, 4 3 12, 2 और 6 उतरेगा ना, 4 6 24, 2 फिर 2 उतरेगा ना, 4 5 20। ठीक है, फिर 2 शेष कितना है जी, 2 आया, इसका शेष कितना है, 3 आया। लेकिन जब भी 4 से भी भाग देना हो, ठीक, हम लास्ट के 2 अंक में भी भाग देकर शेष निकाल सकते हैं। बात समझ में आया, शेष उतना ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें इतना भाग दिया तो शेष कितना आया, 2 आया है ना, तो हमको क्या शेष निकालना है, तो लास्ट का 2 ही अंक में भाग दीजिए। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 से भाग देना कितना में, 62 में, 4 एक 9 4 2 2, 4 5 20। ठीक है, शेष कितना है जी, 2 है, दोनों का सेम शेष आया है ना। जब भी 4 से भाग देना हो तो अंतिम 2 अंक में भाग देकर शेष निकाल लीजिए। ठीक, कितना भी बड़ा भाग करो, इसको भी देखिए, तो अंतिम 2 एक 47 है ना, 4 से भाग दीजिए 47 में, 4 एक 9 4 कट गया ना, 7, 4 एक 9 4, 3 शेष बचा ना। बात समझ में, शेष कितना आया, 3 आया, कोई दिक्कत है, समझ में आया इतना ना। 4 से भाग कितना भी बड़ा संख्या में भाग देना हो तो हम अंतिम 2 अंक में भाग देंगे और शेष ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हमारा कितना भी बड़ा संख्या लिखेंगे, अंतिम अंक 0 से 9 तक ही रहेगा ना, यही रहेगा ना। जैसे मान लीजिए 0 रह सकता है अंतिम अंक, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, बस इतना ही रहेगा ना, कोई दिक्कत। कोई भी संख्या लिखेंगे तो अंतिम का अंक कितना रहेगा, यही रहेगा ना। ठीक है, चलिए अंतिम का अंक यही रहेगा। चलिए इसमें इसको 3 बराबर भाग में बांटिए, 3 भाग में बांटिए, तो 1 भाग 2 भाग, पहले भाग में ऐसा रहेगा 0, 1, 5 और 6, दूसरे भाग में हम रखते हैं 2, 3, 7 और 8 को, ठीक है, तीसरे भाग में रखते हैं 4 और 9 को। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अगर मान लीजिए 0, 5, 0, 1, 5 और 6 इस संख्या के घात में कुछ भी डालेंगे, कुछ भी, कोई भी संख्या डालेंगे, तो हमेशा इकाई अंक वही यही आएगा। जैसे मान लीजिए 0 के पावर कुछ भी डालिए, तो 0 के पावर 3, 4, इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। 1 के पावर कुछ भी डाल लीजिए, हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। 5 के पावर भी कुछ भी डाल दीजिए, 199 डाल देते हैं, इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। 6 के पावर भी कोई भी संख्या डालिए, तो हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब इसके पावर में कुछ भी डालिए, क्या होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए जैसे मान लीजिए यही संख्या हो गया, जैसे 10 के पावर हमारा हो गया 3, ठीक, 10 के पावर 3 है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक। देखिए 0 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, इकाई अंक 0 आएगा ना, फिर 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी 0 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए 1, 2, 4, 1,
नहीं छोटा संख्या लेते हैं, दो एक। ठीक, इसका इकाई अंक कितना है जी? इस पर रखिए कम से कम पाँच। इसका इकाई अंक कितना है? एक है ना, एक के पावर पाँच है ना। तो अच्छा, इसका देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्कीस गुणे इक्कीस गुणे इक्कीस गुणे इक्कीस गुणे इक्कीस लिखेंगे ना। अब देखिए तो एक में एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, फिर एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, फिर एक में एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, फिर एक में एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा। बात समझ में आया? यानी एक के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक क्या आएगा? एक आएगा। जीरो के पावर भी जीरो आएगा। इसी तरह पाँच का होता है, इसी तरह छः का होता है। ठीक है, छः के पावर कुछ भी कर लीजिए, मान लीजिए छः के पावर हम डाल देते हैं, थोड़ा छोटा संख्या डालिए तो चार डालिए, छः गुणे छः गुणे छः गुणे छः। ठीक है, तो छछावा के छत्तीस, छत्तीस का छः हो गया ना, फिर छछावा के छत्तीस, छत्तीस का कितना होगा? छः होगा, फिर छछावा के छत्तीस, छत्तीस का क्या आ जाएगा? छः आएगा। कोई दिक्कत? यानी छः के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक क्या आएगा? छः ही आएगा। पाँच के पावर कुछ भी रहेगा तो पाँच ही आएगा। यानी पाँच के पावर कुछ भी रख दीजिए उसका इकाई अंक क्या होगा? पाँच ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब वो सरकार, एक मिनट, चलिए देखिए तो इसे मिटकाते हैं। यानी हम पढ़ेंगे क्या? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? केस फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में? जीरो एक और कौन है? पाँच है और छः है। इसके पावर कुछ भी रहेगा तो नो चेंज होगा ना, एन ओ सी एच ए एन जी। कोई दिक्कत? यानी एक के पावर कुछ भी रहे इकाई अंक एक, जीरो के पावर कुछ भी रहे इकाई अंक जीरो, पाँच के पावर कुछ भी रहे इकाई अंक जीरो, छः के पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, चलिए केस फर्स्ट समझ में आया ना, कोई दिक्कत? अब केस सेकेंड पढ़ते हैं। केस इसको भी कर देते हैं केस फर्स्ट, केस सेकंड। कोई दिक्कत? केस सेकंड में देखिए किसको किसको रखते हैं, दो रहेगा, तीन रहेगा, सात रहेगा और आठ रहेगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? मानिए दो के पावर कुछ भी रहेगा, तीन के पावर भी कुछ भी रहेगा, चार के पावर भी कुछ भी रहेगा और आठ के पावर कुछ भी रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए अगर मान लीजिए दो के पावर कुछ भी रहे, मान लीजिए दो के पावर एक रहेगा तो मान इसका कितना आएगा? दो। ठीक, अगर दो के पावर दो रहेगा तो इसका मान कितना आएगा? चार आएगा। दो के पावर अगर तीन रहेगा तो इसका मान आठ आएगा, यानी दो गुणे दो करेंगे तो दो के पावर चार रहेगा इसका मान कितना आएगा? सोलह। ठीक है, अगर देखिए तो दो के पावर पाँच करेंगे तो इसका आएगा मान बत्तीस होता है, दो के पावर पाँच का मान बत्तीस। ठीक है, दो के पावर छः का मान होता है चौंसठ, दो के पावर सात का मान हो जाएगा एक सौ अट्ठाईस और दो के पावर सात आठ का मान हो जाएगा दो सौ छप्पन। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए तो इसका इकाई अंक कितना? दो, तो इसका भी दो, इसका चार तो इसका चार, यानी चार संख्या के बाद से फिर दोहरा रहा है ना। बात समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं चार संख्या के बाद से जब दोहरा रहा है ना तो घात में कुछ भी रहे, जैसे मान लीजिए दो एक दो, इसके पावर मान लीजिए हमारा हो गया बाईस। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम जानते हैं चार के बाद रिपीट करेगा तो हम चार से ही भाग देकर क्या कर लेते हैं? शेष निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? चार से मान लीजिए बाईस है तो बाईस में चार से भाग देंगे, चार बचे बीस। ठीक, दो शेष बचेगा ना, शेष कितना बचेगा? दो शेष बचेगा, तो दो के पावर इसको हटा दीजिए, दो के पावर कितना रखेंगे? दो, यानी दो गुणे दो, मान कितना आ जाएगा? चार आ जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, इसी तरह तीन के भी केस में होगा, सात के केस में होगा और आठ के भी केस में होगा। ठीक, चलिए बताते हैं इसमें क्या करना। दो तीन और सात आठ है ना, इसके केस में क्या बताएं? चार से भाग देकर किस में? घात में। यहाँ लिख लीजिए संख्या, संख्या के घात में चार से भाग देकर शेष
प्राप्त करें। ठीक, चार से संख्या के घात में क्या करेंगे, चार से भाग देकर शेष प्राप्त करेंगे। ठीक है, तथा संख्या शेष को, तथा शेष को, तथा शेष को संख्या संख्या के इकाई इकाई अंक के घात में रखकर रखकर शेष इकाई अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बात समझ में आया, कोई भी संख्या हो उसके पावर में कुछ भी रहे तो क्या करेंगे, चार से भाग देंगे। और चार से भी भाग देने का नियम बताए हैं, किसी अंतिम दो अंक में भाग देना है हमेशा। ठीक है, तो चार से भाग देकर क्या प्राप्त करेंगे, शेष प्राप्त करेंगे, और शेष जितना आएगा उसी संख्या का जो इकाई अंक होगा उसके घात में रख देंगे। ठीक, रख कर क्या कर लेंगे, इकाई अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए बनाइए। तो एक सवाल है, ये हो गया ना। ठीक है, चलिए देखिए। तो मान लीजिए दो के पावर हो गया, मान लीजिए 9, 4, 6 और दो कर देते इसी में, इसके पावर मान लीजिए 3, 4, 5 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है ना। चलिए, इकाई अंक ज्ञात करना है तो बताया है ना, जब दो के इकाई अंक निकालना है ना, 9,462 है ना, इसका इकाई अंक कितना है, दो है ना। कोई दिक्कत, तो इसके ही बगल वाले से तो मतलब रहेगा नहीं, कोई दिक्कत, दो से मतलब है ना, क्योंकि हमको इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अभी बताएं घात में कितना से भाग देते हैं, चार से भाग देते हैं ना, और चार से भी अंतिम दो अंक में भाग देते हैं ना। ठीक है, चलिए अंतिम दो अंक क्या करेंगे, अंतिम दो अंक में भाग देंगे ना, 45 है ना, 45 में भाग दीजिए, कितना से, चार से, चार का नाम चार, ये कट गया ना, पाँच उतरेंगे, चार का नाम चार, शेष कितना बचा जी, एक बचा है ना, तो दो के पावर क्या रखेंगे, जितना शेष आएगा उतना ही पावर में रख देंगे, दो के पावर एक, यानी दो के पावर एक का मान कितना हो गया, दो आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह मान लीजिए 4, 5, 3, 7 रहे, ठीक, इसमें लिखिए तो 3, 9, 6, 2 हो गया, कोई दिक्कत, यही संख्या है ना, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है ना, इकाई अंक ज्ञात करना है तो बगल वाले से तो कोई मतलब रहे ना, इसको छोड़ दीजिएगा, ये सात है ना, सात की पावर इतना है ना, सात की पावर इतना मानेंगे ना, तो जब पावर ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, चार से भाग देते हैं ना, चार से भाग देकर शेष ज्ञात करना है, तो चार से भी भाग देना बताए हैं ना, अंतिम दो अंक में भाग देंगे। ठीक है, चलिए भाग दीजिए, आइए 4 की पावर 62, 4 का नम 4, 2, 2, 4, 5, 20, शेष कितना है जी, दो आया ना, तो 7 की पावर 2 लिख दीजिए, 7 × 7 = 49, 49 का इकाई अंक कितना आ गया, 3, यानी इसका इकाई अंक कितना, 9, इकाई अंक कितना आया, 9 आया, कोई दिक्कत है। ठीक है, चलिए आगे और समझते हैं, एक और लीजिए। तो मान लीजिए हो गया 5, 3, इसके पावर हो गया आपका 4, 4, 3, ठीक, 4, 4, 3 हो गया ना, कोई दिक्कत, संख्या ज़्यादा है ना, 3 की पावर है ना इतना, तो 4 से शेषफल में घात में कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे ना। ठीक है, 4 से भाग दीजिए, तो 4 से अंतिम दो अंक कितना है जी, 43 ना, 43, तो 4 का नम 4, कट गया ना, 3, 0 बढ़ेगा यहाँ, 0 लिखकर। ठीक, शेष कितना बचा है, 3 बचा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, शेष 3 बचा है ना, तो 3 की पावर कितना डालेंगे, 3, यानी 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 का इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा, यानी इस संख्या के पावर में इतना करेंगे तब भी इकाई अंक कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, एक और सवाल लिखिए। देखिए मान लीजिए 4, 5, 3, 2 हो गया ना, मान लीजिए इतना हो गया संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, शेष निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, घात के अंतिम दो संख्या में 4 से भाग देंगे। चलिए भाग दीजिए, यहाँ तो घात का अंतिम दो संख्या कितना है, 48 है, 4 से भाग देना है ना, 4 का नाम 4, कट गया ना, 8,
चार दूना आठ, ये भी कट गया ना, कोई दिक्कत, शेष नहीं बचा है ना, जब शेष ना बचे, ठीक है, जब शेष नहीं बचेगा तो हमेशा चार को ही शेष मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, शेष नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे, चार को ही शेष मानकर इकाई अंक के घात में चार को रख देंगे, ठीक, इकाई अंक कितना है, दो है ना, तो दो के घात में कितना रखेंगे, चार, यानी दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना कितना, सोलह, सोलह का कितना होता है, छः, यानी इकाई अंक कितना आएगा, छः आएगा, कोई दिक्कत है, समझ में आया ना, घात वाली संख्या का इकाई अंक निकालना, इसको इतना समझ लिया ना, जीरो पाँच एक छः का समझ में आ गया, दो तीन सात आठ का समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, अब चलिए केस तीसार का पढ़ते हैं, केस तीन, केस तीन है ना, चलिए केस तीन में कौन कौन संख्या बचा है, चार बचा है और नौ बचा है, ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए जीरो एक पाँच छः हो गया है, जीरो हो गया है, पाँच हो गया है, छः हो गया है और एक भी हो गया, कोई दिक्कत, और कौन कौन हो गया है, तीन, तीन भी हो गया है, दो भी, दो हो गया, तीन हो गया, सात हो गया और आठ हो गया, बचा कौन है, चार और नौ बचा है ना, कोई दिक्कत, चार और नौ को बताना है ना, चलिए चार और नौ को बताते हैं, सुनिए इसका तो सिंपल है, अगर चार के पावर मान लीजिए, चार के पावर एक लिखते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा, चार आएगा, चार के पावर दो लिखते हैं, चार चौको सोलह, इकाई अंक कितना आया, छः आया, ठीक है, अगर चार के पावर तीन करते हैं, चार के पावर तीन का मान होता है चौंसठ, यानी चार गुणे चार करेंगे चौंसठ, इकाई अंक कितना आ गया, चार आ गया, ठीक है, अगर चार के पावर चार करते हैं तो चौंसठ, चार गुणे चार गुणे चार गुणे चार गुणे चार, चार के पावर चार करेंगे तो यही होगा ना, चार चौको सोलह कर छः, सोलह चौको चौबीस का चार, चार चौको सोलह, यानी इकाई अंक कितना आएगा, छः, यानी यहाँ कुछ आएगा संख्या, इकाई अंक कितना आएगा, छः आएगा, बस समझ में आया, यहाँ देखिए तो चार के पावर एक किए तो इकाई अंक कितना आया, चार आया, चार के पावर दो करें तो छः आया, फिर चार के पावर तीन करें तो चार आया, चार के पावर चार करें तो छः आया, इसका मतलब चार के घात में अगर सम संख्या रहे तो इकाई अंक छः आएगा और विषम संख्या रहे तो इकाई अंक चार ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ लिख सकते हैं ना, चार के पावर विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, अगर चार के पावर विषम संख्या रहेगी तो इकाई अंक क्या आएगा जी, चार के पावर विषम है तो इकाई अंक क्या है, चार आया है ना, कोई दिक्कत, इकाई अंक क्या होगा, चार होगा, ठीक है, इसी तरह मान लीजिए चार की पावर सम संख्या, चार की पावर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक चार की पावर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना आया है, छः आया है, कोई दिक्कत, यानी चार की पावर विषम तो चार ही, चार की पावर सम तो छः आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, इसी तरह नौ को देखिए तो इसको थोड़ा साइड कीजिए, जगह बनाते हैं थोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत है, चलिए इसको मिटाते हैं, और मान लीजिए यहाँ देखिए नौ के बारे में समझ लेते हो, नौ के पावर मान लीजिए एक है तो नौ के पावर एक का मान नौ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, अगर नौ के पावर दो है तो नौ के पावर दो होता है ना, नौ के पावर दो का नन्नवा इक्यासी, यानी इकाई अंक कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, अगर नौ के पावर तीन रहे तो नौ के पावर तीन मतलब नौ गुणे नौ गुणे नौ, तो नन्नवा इक्यासी का एक, नौ का नम नौ, ठीक है, और मान लीजिए नौ के पावर तीन रहेगा तो इकाई अंक कितना आएगा, नौ आएगा, ठीक है, नौ के पावर चार रहेगा तो इसी में एक और अंक बढ़ा दीजिए, नौ, तो नौ चौक नन्नवा इक्यासी, इक्यासी कर एक, यानी नौ के पावर चार रहेगा तो इकाई अंक कितना आएगा, एक आएगा, कोई दिक्कत है, यहाँ भी देखिए तो अगर नौ के पावर क्या है, विषम संख्या है तो नौ आ रहा है ना, कोई दिक्कत, और नौ के पावर सम संख्या इकाई अंक कितना आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक है, चलिए
अरे यहाँ लिखते हैं 9 के पावर विषम, विषम संख्या तो इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। 9 के पावर विषम संख्या तो इकाई अंक कितना? 9। और 9 के पावर सम संख्या, सम संख्या तो इकाई अंक, इकाई अंक। 9 के पावर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना आया? 1 आया है। कोई दिक्कत है? अगर विषम रहेगा तो 4 का विषम 4 होगा, 9 का विषम 9 होगा, 4 का सम 6 होगा और 9 का विषम 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आई इतना ना? ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दिया है कि 43 की पावर 46 है तो का इकाई अंक कितना होगा? ठीक है, कितना है जी? 43 के पावर 46। तो बताए है ना, जब भी घात ज़्यादा हो, घात में ज़्यादा संख्या है ना, कितना से भाग देंगे? 4 से। 4 से भाग देकर शेष निकालेंगे। 4 एकम 4 कट गया ना, 6 4 2 8 ना, 4 एकम 4 जाएगा, गड़बड़ हो गया, 1 4 एकम 4 शेष कितना बचेगा जी? 2 बचेगा ना। कोई दिक्कत है तो इकाई अंक के पावर क्या करेंगे? 2 लिख देंगे ना। 3 के पावर कितना? शेष जितना बचा उतना लिख दीजिए, 2 यानी 3 गुणे 3। 3 3 के कितना होता है? 9। इकाई अंक कितना आ गया? 9। ऑप्शन नंबर कितना है? 2 नंबर ऑप्शन है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो आगे इतना है ना, 7 के पावर 35 है गुणे 3 के पावर कितना है? 71 है। और 11 के पावर कितना है? 55 है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आई इतना? यहाँ देखिए तो 35 में 4 से भाग दीजिए शेष। देखिए तो 35 में 4 से भाग देंगे तो 8 4 32 शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसमें भाग दीजिए ना 71 में 4 से, तो 4 एकम 4 कितना बचेगा जी? 3 1 4 7 28 शेष आएगा हमारा कितना? 3 यानी 71 को काट कर 3 लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत? अच्छा, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा, यानी इसका हो जाएगा 7 के पावर 3। 7 के पावर 3 का इकाई अंक 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 कर 9, 9 7 63 कर 3 यानी 7 के पावर 3 का इकाई अंक कितना आएगा? 3 आएगा। 3 के पावर 3 है ना, 3 के पावर 3 का निकालिए तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 से कितना आएगा? 7 यानी 3 के पावर 3 का इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और 1 के पावर अभी बताया ना, 1 के पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक 1 ही आएगा। कोई दिक्कत? गुणा है तो गुणा चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, 7 3 21 21 कर 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा, यानी इस गुणनखंड का इकाई अंक कितना आया? 1 आया। 1 किसी ऑप्शन में है? हाँ है। कोई दिक्कत है समझ में आया इतना? ठीक है, अगला सवाल। चलिए तीसरा का सवाल यही है ना, 264 के पावर कितना है? 102 है प्लस 264 के पावर 103 है। कोई दिक्कत है समझ में आया? अच्छा, यहाँ देखिए तो 4 है ना, 4 के पावर 102 मानेंगे ना, इसे तो मतलब है नहीं, तो इसको हटा दीजिए पहले। अभी लिखवाया ना 4 के पावर अगर सम संख्या रहे, 4 के पावर क्या? सम संख्या, तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। 4 के पावर विषम रहेगा तो इकाई अंक कितना आएगा? 4 ही आएगा। अगर ये याद ना हो ना, सबसे बेस्ट तरीका है, ये सम संख्या है ना, तो सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है? 2 होता है ना, तो 2 को लिख लीजिए। कोई दिक्कत? ठीक है, ये विषम संख्या है ना, सबसे छोटा विषम संख्या कौन होता है? 1 होता है ना, यानी 4 की पावर क्या लिख लेंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, 4 की पावर 2 कमान 4 चुके 16, 16 का इकाई अंक 6 होगा ना, प्लस 4 एकम 4 कमान 1 4, 4 के पावर 1 कमान 4 होगा ना। कोई दिक्कत? अब इसको जोड़िए तो 6 4 कितना होगा? 10, 10 कर 0 यानी इकाई अंक कितना आया? 0 आया। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला सवाल कितना है? इतना प्लस इतना प्लस इतना। ठीक है, चलिए 25 के पावर 6 2 5 1 प्लस 36 के पावर 5 2 8 प्लस 73 के पावर कितना है? 54 है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए तो ये 5 है ना, इसके पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक 5 ही होगा ना,
समझ में आया? अच्छा ये छः है ना, छः के पावर अभी लिखवाया ना, जीरो एक पाँच और छः, इसके पावर आप कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, हमको भी रख देंगे तो इकाई अंक वही आएगा, ठीक है। चलिए इकाई अंक छः, बात समझ में आया, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए तो 54 है ना, 54 में चार से भाग दीजिए तो चार का नाम चार, एक चार, चार तीन बारह, दो, शेष कितना बचा जी? दो, यानी तीन के पावर दो होगा ना, यहाँ लिख दिए तीन के पावर दो, तीन के पावर दो मतलब तीन तरीके नौ, इसको काट कर लिख दीजिए दो तीन तरीके नौ, यानी इकाई अंक कितना आएगा? नौ आएगा। और चलिए तो जोड़ है तो जोड़िए, छः पाँच ग्यारह कर एक, नौ का नाम छः पाँच ग्यारह कर नौ एक दस कर जीरो, यानी इकाई अंक कितना है जी? जीरो है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अगला देखिए तो, अगला यही है ना, 43 के पावर, 43 है माइनस 28 के पावर 28 है, ठीक। कोई दिक्कत? चार से भाग देंगे तो कितना बचेगा? चार से भाग देंगे शेष आएगा आपका 10 चौके 40, तीन शेष बचेगा ना, इसमें चार से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा ना, जब पूरा पूरा कटता है तो क्या करते हैं, चार को शेष मान लेते हैं ना। कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए, तीन के पावर तीन के मान तीन तरीके नौ त्री सत्ताईस, सत्ताईस कर क्या लिखेंगे? सात। कोई दिक्कत? माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ देखिए आठ के पावर चार है ना, तो आठ गुणे आठ गुणे आठ गुणे आठ, आठ अठाई चौंसठ कर चार, ठीक। फिर आठ चौक 32 कर दो, फिर आठ दुना 16 कर छः। इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका इकाई अंक कितना आ गया? छः आ गया, ठीक है। माइनस है तो घटाएंगे ना, सात में से छः जाएगा तो इकाई अंक कितना आएगा? एक आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है जी? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, अगला देखिए तो, अगला सवाल यही है ना, अगला सवाल यही है ना, सवाल आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत? बनाकर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इसी तरह चलिए अगला, अगला सवाल, x बराबर इतना तो x का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, मतलब x बराबर इतना दिया नहीं, इसी को हल करके इकाई अंक ज्ञात करना है, बन जाएगा जी? कोई दिक्कत? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसको भी बनाकर। चलिए अगला देखिए तो, ये भी तो वही सवाल है, सात के पावर 71 इंटू 6 के पावर 63 इंटू 3 के पावर कितना है? 65 है। इसे बन जाएगा तो बना दीजिएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में इसको हम सॉल्व करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 62 61 66 68 67, यही नंबर है, ठीक। कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए, ठीक। चलिए अगला देखिए तो, अगला सवाल यही है ना, ये भी तो वैसा ही लग रहा है, बना दें? चलिए बनाते हैं, 24 64 है, 24 64 के पावर 1793 इंटू 615 317 इंटू 131 491। कोई दिक्कत? अरे यहाँ देखिए, पाँच पावर कुछ भी रहेगा तो पाँच आएगा, ठीक है। बात समझ में आया? चक्कल बताए हैं ना, पाँच में अगर सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? जीरो। पाँच में अगर विषम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? पाँच आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए तो, यहाँ चार है ना, चार है ना, अच्छा ये पर सम है कि विषम है? विषम संख्या ना, तो बोले है ना विषम संख्या, तो सबसे छोटा विषम संख्या लिख लीजिएगा, सबसे छोटा विषम एक। चार के पावर एक का मान कितना होता है? चार। अब बताइए चार में पाँच से गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? जीरो। और इसके पावर कुछ भी इकाई अंक एक है ना, एक के पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक एक ही आएगा ना। अब एक में जीरो से गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? जीरो आएगा। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ये सही होगा, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखिए तो, अगला सवाल है 101 के पावर 2002 और प्लस दिया है 2002, बन जाएगा? कोई दिक्कत? बना देते हैं। यहाँ देखिए एक के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक एक, और इसका इकाई अंक कितना है? दो है, जोड़ना है ना, प्लस है तो जोड़ना है ना, दो एक कितना होता है? तीन, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखिए तो, अगला सवाल है हमारा
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ के पावर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यही है ना, कोई दिक्कत? यही सवाल है ना, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है ना। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं इकाई अंक। बोला है ना जब बड़ा रहेगा तो नौ है ना, अंतिम नौ है ना, नौ का क्या सही बताया है ना, नौ के पावर विषम, विषम रहेगा, नौ के पावर विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा, नौ होगा, नौ के पावर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक कितना होगा जी, एक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर ये याद ना हो नौ और चार के केस में तो हमेशा घात को सबसे छोटा विषम और सबसे छोटा सम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कौन है, नौ है ना, ये संख्या का अंतिम इकाई अंक नौ है ना, यानी विषम संख्या है ना, तो सबसे छोटा विषम कौन होता है, एक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक लिख लेंगे ना, यहाँ देखिए इसके प्रत्यार्थ से कोई मतलब है नहीं, इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक को फोकस करेंगे, यानी नौ के पावर एक, नौ के पावर एक का इकाई अंक कितना होगा, नौ। कोई दिक्कत, समझ में आए इतना? ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो बत्तीस के पावर बत्तीस का अंतिम अंक, अंतिम अंक मतलब इकाई अंक याद करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर मान लीजिए पाँच के पावर दो है तो इसको हम लिखेंगे ना पाँच गुणे पाँच। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए पाँच के पावर दो में हमको चार से भाग देकर शेष निकालना हो तो क्या करेंगे, ये पच्चा पच्चीस आएगा ना, कोई दिक्कत? पच्चीस में चार से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, एक बचेगा ना। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? या पाँच में चार से भाग देंगे शेष कितना बचेगा जी, एक बचेगा, और एक के पावर जितना घात है उतना लिख देंगे, कोई दिक्कत है? बस समझ में आया, शेषफल कितना आएगा, एक ही आएगा, कोई दिक्कत? इसी तरह यहाँ देखिए, तो यहाँ बत्तीस के पावर, बत्तीस के पावर कितना है, बत्तीस, कोई दिक्कत? तो यहाँ घात में कितना दिखाई दे रहा है, बत्तीस दिखाई दे रहा है ना, तो बत्तीस में चार से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, आठ चौक बत्तीस पूरा पूरा कट गया ना, शेषफल जीरो बचा ना, कोई दिक्कत? जब यानी बत्तीस के पावर बत्तीस बार लिखेंगे ना ऐसे, मान लीजिए बत्तीस है, इस बत्तीस के पावर बत्तीस है तो इसको बत्तीस गुणे बत्तीस गुणे बत्तीस डॉट डॉट करके बत्तीस बार लिखेंगे ना, अगर हम चार से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना, कोई दिक्कत? बताया ना चार के चार से अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो चार को ही शेष मान लेंगे। ठीक है, यानी दो के पावर, यहाँ इकाई अंक दो है ना, तो दो के पावर चार, दो के पावर चार मतलब दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो। ठीक है, दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दुना सोलह, इकाई अंक कितना होगा जी, सोलह होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल क्या है, बत्तीस के पावर तैंतीस के पावर कितना है, चौंतीस है। ठीक, बत्तीस के पावर तैंतीस के पावर चौंतीस। ठीक, कोई दिक्कत? तो बत्तीस में भाग दीजिए कितना से, बत्तीस में भाग देंगे ना, तैंतीस है ना, तो तैंतीस में भाग दीजिए चार से, चार अठे बत्तीस, कोई दिक्कत? एक शेष बचेगा ना, कोई दिक्कत? यहाँ एक शेष बचा लूँ, एक के पावर चौंतीस का मान कितना होगा, एक के पावर चौंतीस करेंगे तो इक्कीस शेष आएगा ना, यानी बत्तीस के पावर कितना आएगा, एक आएगा। बात समझ में आया, बत्तीस के पावर एक आएगा, कोई दिक्कत? बत्तीस के पावर एक का मान यानी दो के पावर एक, दो के पावर एक का मान कितना होता है, दो, इकाई अंक कितना आ गया, दो आया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए, यानी इसका इकाई अंक कितना आया, दो आया, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो अगला सवाल देखिए, तो दिया है ना इतना के पावर इतना इंटू इतना, यानी एक तीन सात के पावर कितना दिया है, तेरह के पावर कितना है, वो फोर्टी सेवन। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। तो अगर मान लीजिए पाँच की पावर दो रहे, उसका होल पावर तीन रहे, ये आपस में गुणा हो जाता है ना, पाँच की पावर दो गुणे तीन, अगर होल पावर आता है तो घात को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह इसको कीजिए। तो इससे तो मतलब है ना, इसको हटा दीजिए, सात के पावर तेरह गुणे कितना हो जाएगा, फोर्टी सेवन हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? अच्छा भाग दीजिए, तो तेरह में चार से भाग देंगे कितना आएगा, एक, इसमें भाग दीजिए तो चार कनम चार चार तीन आएगा ना, कोई दिक्कत? यानी सात के पावर तीन कनम तीन, शेष कितना आ गया, तीन आ गया,
बात समझ में आया। सात की पावर तीन करेंगे यानी सात गुणे सात गुणे सात, सात सतह उनचास, उनचास का कितना होगा नौ, नौ सतह तिरसठ, तिरसठ का कितना आएगा जी तीन, यानी इकाई अंक कितना आया तीन। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बी नंबर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला देखिए। तो अगला सवाल यही है ना, एक पर पाँच है प्लस दो पर पाँच है प्लस तीन पर पाँच है प्लस डॉट 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 प्लस बीस पर कितना है जी पाँच है। कोई दिक्कत समझ में आया? इसका क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है ना। देखिए कैसे निकालते हैं इकाई अंक, बताया ना जब चार से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, चार से ही भाग देकर शेष निकालेंगे। यहाँ देखिए तो पाँच है ना, चार से भाग देंगे तो इकाई अंक एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी कितना आएगा एक आएगा। अब ये बताइए एक पावर एक का मान एक ही होता है, दो के पावर दो का मान कितना होता है दो होता है, तीन के पावर दो के पावर एक का मान दो, तीन के पावर भी एक का मान तीन डॉट 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 प्लस, बीस के पावर एक का मान कितना होगा बीस होगा। बस समझ में आया, यानी इसी का यू का इकाई अंक निकालना है ना, कोई दिक्कत? अच्छा ये बताइए, एक सूत्र होता है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन तक, और मान लीजिए इसका योगफल निकालना हो क्या, योग, योगफल का सूत्र क्या होता है जी एन एन प्लस वन अपन कितना टू। कोई दिक्कत? यही फार्मूला इस पर लगा दीजिए, योग बराबर, योग बराबर, योग निकालना है ना, चेक कर लेंगे इकाई अंक कितना आएगा। एन का मान कितना दिखाई दे रहा है बीस, तो बीस, यहाँ 20 प्लस एन प्लस वन है तो 20 प्लस एक हो जाएगा ना, बटे कितना दो, ये कट जाएगा ना दो से 10 बार में, 10 गुणे 20 एक कितना होता है इक्कीस। इकाई अंक निकलना, इकाई अंक निकले जीरो से एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी जीरो, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा जीरो। ऑप्शन नंबर ये सही है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? इस तरह देखिए तो इस तरह ये बन जाएगा कितना है एक के पावर, इसके पहले का और सवाल होगा, एक के पावर दिया है 100, हेलो हेलो, एक के पावर 103 प्लस दो के पावर 103 प्लस तीन के पावर 103 प्लस डट 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 प्लस 100 के पावर कितना है जी 103 है। बस समझ में आया, कोई दिक्कत? देखिए घात बहुत ज़्यादा है ना, कितना से भाग देंगे चार से, 103 में चार से भाग देंगे कितना शेष बचेगा तीन बचेगा, यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन, 103 है ना, तो 100 तो चार से कट जाएगा, बचेगा तीन, तीन शेष हो जाएगा ना, यहाँ भी तीन शेष बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी एक के पावर तीन हो गया, दो के पावर तीन हो गया, तीन के पावर तीन हो गया प्लस डॉट 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 डॉट, 100 के पावर कितना हो गया तीन, इसी का क्या निकलना है, इकाई अंक निकलना है ना, कोई दिक्कत? चलिए इकाई अंक इसका मतलब ये घन है ना, एक का क्यू, दो का क्यू, तीन का क्यू, यानी डॉट डॉट का, सौ का क्यू का योगफल निकालना है ना, यानी घन का योगफल निकालना है ना, घन का योगफल का सूत्र क्या होता है एन एन प्लस वन अपन टू का होल क्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक का क्यू है प्लस दो का क्यू प्लस तीन का क्यू डॉट 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 एन का क्यू है, तो इसका योगफल का सूत्र होता है योगफल एन और एन प्लस वन अपन कितना दो, दो का होल क्यू होता है, होल स्क्वायर होता है, सॉरी होल स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया, चलिए इस पर रखिए। तो योग बराबर एन का मान कितना है जी 100 है ना, चलिए 100 हो गया गुणे एन प्लस वन मतलब 100 प्लस एक यानी 101 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, 101 बटे कितना है दो, घात में कितना होता है दो होता है, तो यहाँ घात में कितना लिख देंगे दो लिखेंगे। समझ में आया, दो से काटिए तो 50 हो जाएगा ना। बात समझ में आया, यानी 50 गुणे कितना 101 के पावर कितना हो दो। कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए तो इसका इकाई अंक कितना आएगा जीरो आएगा ना, कोई दिक्कत? अगर जीरो के पावर दो करेंगे तो इकाई अंक जीरो ही आएगा ना, यानी इसका इकाई अंक कितना आ गया जीरो। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला देखिए। तो अगला सवाल है एक के पावर एक है, तीन के पावर तीन है, एक के पावर एक गुणे तीन के पावर तीन गुणे पाँच के पावर पाँच गुणे डॉट 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 करके 99 के पावर 99 है, यही सवाल है ना, कोई दिक्कत?
चलिए यहाँ देखिए तो एक के पावर एक है, तीन के पावर तीन है, पाँच के पावर कितना है, पाँच है। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए एक के पावर एक है तो इकाई अंक कितना आएगा, एक आएगा, यानी विषम संख्या है ना। एक तीन के पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक विषम ही आएगा ना। पाँच के पावर कोई भी अंक रहेगा तो क्या आएगा, इकाई अंक पाँच, कोई दिक्कत। इसी तरह है ना, ये सब विषम संख्या है ना, कोई दिक्कत। यहाँ बताया है ना, पाँच से अगर विषम संख्या में गुणा करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है, पाँच आता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। और पाँच से सम संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आता है, सम संख्या में इकाई अंक क्या आता है, जीरो आता है। यहाँ देखिए तो सब विषम संख्या है ना, कोई दिक्कत। इकाई अंक यहाँ पाँच है ना, और पाँच से सब विषम संख्या में गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, पाँच आएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अरे ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ये नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए तो एक के पावर एक है, दो के पावर दो है, तीन के पावर तीन है, चार के पावर चार है, पाँच के पावर पाँच है, छः के पावर छः है। तो ये आप लोग बनाकर इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में, एक और है होमवर्क के लिए, दो के पावर ये है सवाल, दो के पावर तीन चार प्लस तीन के पावर चार पाँच प्लस चार के पावर पाँच छः प्लस पाँच के पावर छः सात प्लस छः के पावर सात आठ है प्लस आठ के पावर नौ दस है। कोई दिक्कत है, बात समझ में आया, इसको बनाइएगा। अगर ना समझ में आया तो आप इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, 62 61 66 68 67, ठीक है, ये हमारा नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान, पीडीएफ भी चाहिए तो इसी नंबर पर मिलेगा, ठीक है, ओके जय।